बीजेपी मीडिया प्रभारी करण नंदा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आरोपों पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व मंत्री आरडी कश्यप की अगुवाई में आज शिमला में चुनाव आयोग से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रचार में लगाए गए आरोपों की कड़ी निंदा की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि 55 लाख रुपए पकड़े गए हैं जो कि निराधार गलत और तथ्यों से परे हैं। इधर देखना सर, शिकायतें मिली थी ये जो 55 लाख रुपए का मामला हमें पूरे व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस में चल रहा है ना। अच्छा, सुक्खू जी जो है वो मुख्यमंत्री जी अपनी मीटिंगों में, पब्लिक मीटिंग में, कैंपेन में कह रहे हैं कि ये 55 लाख रुपए और ये उस बेस पे ये लोग वो कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि कहाँ मिला, किसको मिला है तो नहीं पता, लेकिन उसकी अभी जवाब कोई नहीं आया, ना तो पुलिस को पता, ना सीआईडी को पता, ना आपको पता है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेट करा के, अगर ये गलत तथ्य हैं तो कमीशन जो खुद ही पब्लिक को बोले कि भाई ये गलत स्टेटमेंट है, 55 लाख कहीं नहीं मिले। अगर इलेक्शन क्योंकि जो गवर्नमेंट ट्रेजरी, सो ये थोड़ा गलत है, तो उसके बारे में कमीशन रिक्वेस्ट ये है कि कमीशन इसके बारे में क्लियर करे। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री आरडी कश्यप की अगुवाई में आज चुनाव आयोग को शिमला में मिला। हमारे साथ पूर्व रिटायर्ड आईएएस जेसी शर्मा, पूर्व मेयर कुसुम सदरेट भी उपस्थित रहे। ये मेमोरेंडम हमने इसलिए दिया है क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने प्रचार में बोल रहे हैं कि 55 लाख रुपए की सामग्री उन्होंने पकड़ी, वो आरोप निराधार है, गलत है, तथ्यहीन है। देखिए किस प्रकार से वो एक राजनीतिक वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को लग रहा है कि वो चुनाव में पीछे चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव की चारों सीटें हारने वाले हैं और सभी 6 उपचुनाव की सीटें भी वह हारने वाले हैं, इसलिए वो भौकलाई हुई बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे जनता का ध्यान भटका सके। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं और हमने इलेक्शन कमीशन को भी मांग की है कि अगर ये 55 लाख का आरोप सत्य है तो मुख्यमंत्री जी बताए कि वो 55 लाख किस होटल से पाए गए जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बताए कि अभी तक अगर वो 55 लाख रुपए पकड़े हैं तो वो गवर्नमेंट के किस खाते में डिपॉजिट किए गए हैं, किस खाते में डाले गए हैं। अफसरशाही को तो ज्ञान है नहीं कि कुछ 55 लाख के जो एलिगेशन लगा रहे हैं ऐसा कोई सत्य है। ये सारे आरोप जितने भी लगाए हैं ये सत्य से परे हैं। इसके ऊपर जो है हम आज जो हमारे निर्वाचन आयोग है वहां पर हमने कंप्लेंट भी दायर करी है। हमारे वहां के विधायक जो है आईडी लखनपाल जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी वहां पे जो है उस निर्वाचन उनको एक लीगल नोटिस जो है मुख्यमंत्री को काटने जा रहे हैं। केवल मात्र ये कांग्रेस पार्टी जो है झूठ की राजनीति करती है और झूठ बोलकर जो है केवल मात्र वोट बटोरने की कोशिश करती है। ये सारे आरोप लगाए हुए मुख्यमंत्री द्वारा निराधार है और हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी केवल मात्र जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास ना करें पर इस आरोप के ऊपर सार्वजनिक माफी मांगे और इस आरोप के ऊपर जो है अगर ये सिद्ध नहीं होता और अगर ये सिद्ध नहीं कर पाते तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उग्र रुख लेगी और इनको जो है वो काफी नोटिस का सामना करना पड़ेगा।